सुपरटेक ट्विन टावर्स तो ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन एटीएस विलेज जो बिल्कुल उसके पास की सोसाइटी है, वहाँ पर जो लोग वापस गए हुए थे, यहाँ पर खाली कराया गया था, अब वो वापस लौटना शुरू हो गए हैं। मेरे साथ में भी यहीं के एक रेजिडेंट मौजूद हैं। सर, आप कहाँ पर रुक रहे थे जब ये पूरा हुआ और आपको खाली कराया गया? हम कल अपने फ्रेंड्स के घर चले गए थे और रात हमने वहीं स्पेंड करी है। अभी हम वेट कर रहे हैं, अगर परमिशन मिल जाएगी तो वी विल गो इनसाइड। सर, जैसे कि पूरा ही डिमोलिशन हुआ, तो आप लोगों का इस पर क्या टेक था कि ये जो हो रहा है ठीक है, आप लोग उसके सपोर्ट में थे? बिल्कुल सपोर्ट में थे, बिकॉज इट वॉज एन इलीगल कंस्ट्रक्शन और ये रूल्स की वायलेशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, आगे से जो लोग हैं गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो अलर्ट हो जाएंगे और होपफुली ऐसा आगे से नहीं होगा। सर, कब आप यहाँ से गए थे जब खाली करने के निर्देश दिए गए थे? सुबह 7 बजे मैं यहाँ से निकला था, कि 7 बजे से पहले हमको ये खाली करना था, तो हम 7 बजे से ही निकल गए थे यहाँ से। कौन सी टावर में आप रहते हैं? 40 नंबर टावर में रहते हैं। तो जो ये पूरा डिमोलिशन हुआ, क्या आप इसको सक्सेसफुल मानते हैं या जिस तरीके से ये किया गया है? अभी अंदर जाके पता लगेगा कि अंदर क्या है क्या नहीं, बाहर से तो ये लग रहा है कि सब कुछ सही हुआ है। तो अभी आप जाके पूरी जांच पड़ताल करेंगे कि? जी जी जी, अभी अंदर जाके पता लगेगा कि क्या अंदर क्या स्थिति है, अभी कुछ पता ही नहीं अंदर के बारे में। सर, आपका क्या टेक रहा, चूँकि भ्रष्टाचार के इमारतें कहा गया है इनको और अब ये ध्वस्त हो चुकी हैं और पूरा देश भर की नज़रें इस पर थी कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ दिया गया? अब इससे एक संदेश जाएगा कि बिल्डर अब आगे जो है कम से कम भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त होंगे और जो नॉर्म्स हैं उस हिसाब से बिल्डिंग तैयार करेंगे, जिससे कि आगे जो परचेज करेगा रेजिडेंट्स को फ़ायदा होगा, कम से कम भ्रष्टाचार से ये दोबारा ये ना रिपीट होगी। पहले लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, ये जो बिल्डिंग की बातें कर रहे हैं, कौन सी बिल्डिंग गिर रही है, हमारी तो नहीं गिर जाएगी वो, क्योंकि एमराल्ड कोर्ट बहुत पास था, हमारा थोड़ा दूर था, लग रहा था कि वहाँ बचाने के चक्कर में यहाँ ना बिल्डिंग करा दे, तो थोड़ा सा डर तो बहुत लग रहा था हमें, ऐसी बात नहीं है। ETS की जो एक वॉल है उसको नुकसान हुआ है? हाँ, हमें लग रहा था कि शायद एमराल्ड कोर्ट के पास जो जगह थी बिल्डिंग के साथ वो 6 मीटर की थी और हमारे यहाँ पर जगह ज़्यादा थी, तो हमें लग रहा था कि वो ऐसे प्लानिंग करेंगे कि वहाँ पर नुकसान ना हो और बिल्डिंग थोड़ी सी इस साइड आए, तो वही हुआ जो हमने सोचा था कि बिल्डिंग सीधा सड़क पे आई और थोड़ा सा ATS की तरफ आई, क्योंकि यहाँ जगह ज़्यादा थी, उसके कारण हमें लग रहा है डैमेज हुआ है ये वाला सारा।